शिव ठाकरे ने प्रियंका चहर चौधरी को बाल काटने की धमकी दी तो उस पर यहाँ पर निमृत कौर आहलूवालिया और भी ताने बाने सुनाती हुई नजर आई है प्रियंका को। कल बिग बॉस के घर में फिजिकल टास्क हुआ, फाइनली यहाँ पर टॉर्चर टास्क जनता को देखने को मिलेगा क्योंकि पूरे सीजन में ऐसा नहीं हुआ है। फाइनली लास्ट के हफ्तों में अब ढंग के टास्क होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कल बिग बॉस के घर में टास्क हुआ, सेम नॉमिनेशन की तरीके जो टीम थी नॉन मंडली वर्सेस मंडली, उन्हीं के बीच टास्क हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मंडली है वो नॉन मंडली को टॉर्चर कर रही है, और टॉर्चर तो मतलब कितनी अच्छी तरीके से ये लोग अपनी जितनी पर्सनल चीज़ें खुन्नस है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके प्रियंका चहर चौधरी के साथ। पानी डाल लें, साथ ही कोई चीज़ लेकर के आए पतली सी ताकि उसको कान में डाल सके, तेल डाल लें, सरफ डाल रहे हैं, और ऊपर से शिव कह रहा है कि अब मैं बाल भी काटूंगा। प्रियंका कह रही है कि अरे बाल वाल मत काटो क्योंकि कुछ दिन पहले उसके ऑलरेडी जब हेयर स्टाइलिंग हुई थी तो बाल कट गया था, तो वो कह रही कि बाल वाल मत काटो। तो उस पर निमृत कौर आहलूवालिया कह रही है बाल भी नहीं कटना है, फिनाले में अच्छा भी दिखना है, 50 लाख भी चाहिए, 25 लाख तो ले ही लिए। तो सोचिए निमृत कौर आहलूवालिया कितनी ज़्यादा वो परेशान हो रही हैं, कितनी ज़्यादा और इनसिक्योर हो रही हैं कि कहीं ये पूरा 50 लाख भी प्रियंका के पास चला ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी माइक लैम उसने जीत लिया, उसको 25 लाख भी मिल गए, अब ये 50 लाख भी मिल जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो निमृत कौर आहलूवालिया कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो खुन्नस उन्होंने खाई है प्रियंका से, वो सारी चीज़ें इस टास्क में निकली है, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आपको फिनाले में अच्छा दिखना है, हर किसी को अच्छा दिखना है, जितने भी कंटेस्टेंट फिनाले में पहुँचेंगे हर कोई ऑफ कोर्स चाहेगा कि वो फिनाले में अच्छे दिखे। तो प्रियंका चहर चौधरी क्यों नहीं, जो कि पूरे सीज़न में इतनी बढ़िया नज़र आई हैं, चाहे लुक वाइज हो चाहे उनके कपड़े वाइज हो, तो वो फिनाले में क्यों नहीं अच्छा दिखने चाहेंगी। लेकिन निमृत को बड़ी प्रॉब्लम है कि तुमने 25 लाख तो ले लिया, अब तुम 50 लाख भी चाहती हो। तो कहीं ना कहीं देखिए टास्क होने वाला है काफी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि बिग बॉस के घर में फिजिकल टास्क आया। तो दूसरी तरफ कल यहाँ पर नॉन मंडली टॉर्चर हुई थी, आज बिग बॉस के घर में मंडली टॉर्चर हुई है, और जो अपडेट सामने आ रही है उसके अनुसार ये लोग सह नहीं पाए, क्योंकि जितना टॉर्चर इन्होंने किया है उतना टॉर्चर सामने वाला भी करेगा। जैसे कि अर्चना कह रही थी कि भैया हम तो डबल करेंगे, तो ये नहीं सह पाए, इसलिए कहते हैं टॉर्चर करने से पहले सोचो क्योंकि आपको भी वो चीज़ झेलनी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।